हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन को एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब? व्हाट हैपन्स व्हेन 2-ब्रोमो-ब्यूटेन इज हीटेड विद एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन जो है, ये जो अभिक्रिया है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसका क्या रीजन है? क्योंकि ये जो रिएक्शंस है, सेट जेफ रूल का ओबे करती है, पालन करती है। अब सेट जेफ रूल क्या है, तो इसे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बताता हूं सेट जेफ रूल कैसे इस रिएक्शंस में ओबे हो रहा है। आइए देखिए, सबसे पहले तो आपको 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का जो फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH, कितने कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन हो गए। और ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4। क्लियर? और नंबर 2 पर आपका आएगा 1 2 3 4। 2 पर कौन है? ब्रोमो। तो क्या नाम हो गया इसका? 2-ब्रोमो-ब्यूटेन। और सिंगल बॉन्ड है सब में, एल्केन है, मतलब एल्केन में सिंगल बॉन्ड है। और ये जो जुड़ा हुआ है इसमें हेलोजन, तो ये आपका क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। क्लियर? आपको क्या लेना है? आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। कैसा कैसे लेना है? एल्कोहली। क्लियर? जब आपने एल्कोहली यहां पर लिया, तो आपको ऑब्टेंट होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस प्लस KBr प्लस H2। ये रिएक्शंस आपकी ऑक्टेंट्स हो गई, जो हमसे पूछी गई थी कि 2-ब्रोमो-ब्यूटेन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटेड करेंगे तो हमें क्या ऑक्टेंट्स हो जाएगा। तो हमें क्या ऑक्टेंट हुआ? हमें ऑक्टेंट हुआ 1 2 3 एंड 4, ब्यूटूइन। क्या नाम होगा इसका? आप इसको ब्यूटूइन या ब्यूटीन 2 या 2-ब्यूटीन भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, ये इस रिएक्शंस को हमें समझना है। हम इस रिएक्शंस को कैसे मेमोराइज कर पाएंगे उसको समझिए। मैंने बताया कि ये जो रिएक्शंस है वो सेट जेफ रूल का ओबे करती है। सेट जेफ रूल क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल जाने के बाद जो हाइड्रोजन निकलता है, तो वो उस कार्बन एटम से निकलता है कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या, नंबर पहले से ही कम होती है। क्लियर? अब यहां देखिए, ये आपका CH3 CH2 CH CH3 है। क्लियर? 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है। हम रेड करा रहे हैं किससे? एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब Br नेगेटिव होता है। तो इसके निकलने के बाद हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलता है कि जहां पर उसकी संख्या पहले से ही कम हो। तो यहां पर क्या, हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही क्या है? कम है। यहां से एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर? मैं निकाल देता हूँ हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकला। तो यहां पर क्या बचा? CH3 CH CH और CH3। तो कार्बन की वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। क्लियर? अभी देखिए, ये एच और यहां से ये ओ एच, तो क्या बना बोलो? H2O। तो H2 हमारा एक प्रोडक्ट हमें ऑप्टेंट हो गया। अब यहां देखिए, यहां क्या बचता है? यहां Br है और यहां पर है आपका पोटेशियम्स। तो उससे रिएक्ट करने के बाद क्या बना? KBr। तो इस तरह से हमें देखिए, आपके तीनों प्रोडक्ट ऑप्टेंट हो गए। ये आपको ब्यूटूइन ऑप्टेंट्स हो गई, पोटेशियम ब्रोमाइड ये भी ऑक्टेंट्स हो गया, एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑक्टेंट्स हो गया। अब एक बात और याद रखना, देखिए अगर हम बात करें, यहां से हाइड्रोजन और ब्रोमीन दोनों निकल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन हैलाइड निकल रहे हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड का किसी मॉलिक्यूल से, मतलब हाइड्रोजन का और हेलोजन का, हेलोजन मतलब हैलाइड का, तो हाइड्रोजन का और हैलाइड का किसी मॉलिक्यूल से निकलना, तो वो क्या कहलाता है? वी हाइड्रो हेलोजिनीकरण हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं उसको डी हाइड्रो हेलोजिनेशन।
तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि ये जो आपको प्रोडक्ट ऑप्टेंट्स हुआ है वो हमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस के द्वारा ऑप्टेंट्स हुआ है। फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया आज इस रिएक्शंस पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स है और आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।